हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नीलम की रचना चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आज अपने पान लिए पान का पौधा लेकर आई थी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि पान का पौधा लाएं, फाइनली मुझे मिल भी गया। आज मैं उसको लगाऊंगी। देखिए, मेरा एक ये प्लास्टिक के गमले में नीचे वो डालना, ठिकड़ी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी गमले का टुकड़ा आप डाल सकते हैं, कोई भी टूटा हुआ मटकी हो, कुछ भी हो, उसको आप तोड़ के डाल सकते हैं। और मैं नीचे राइस हस्क डालती हूँ, मुझे बहुत आसानी से मिल भी जाता है और ये गमले के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे गमले में पानी नहीं ये रुकने देता है और पौधों के लिए फ़ायदे भी रहता है। मैं कोकोपीट का यूज ही नहीं करती बिल्कुल, मुझे मिल जाता है आसानी से। हमारे यहाँ राइस, हम लोग धान की खेती करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। ये देखिए रिवर से इसकी मिट्टी मैं ऐसा बनाऊंगी जिसमें पानी ज़्यादा रुके ना, क्योंकि पानी रुकने से पान के पौधे ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि इसे हम लोग धूप में तो रखते नहीं हैं, धूप इसमें बहुत कम लगनी चाहिए, तो इसके वजह से पानी भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये देखिए, ये मॉस स्टिक मैंने खुद ही बनाया है, बेकार पड़े हुए सामान थे। जो फूल झाड़ू का पाइप होता है वो है, फिर उसमें मैंने पुराने कपड़े लपेट दिए हैं, अंदर कॉटन के कपड़े, फिर सिंथेटिक कपड़े, फिर मैंने बना दिया है। ये गांठ मैंने इसलिए दिया है कि इस पर रुकेंगे पान के, जो रूट होते हैं वो इस पर फंसेंगे। देखिए, बिल्कुल जीरो बजट में बना है, इसमें एक भी पैसे का कुछ, एक भी रुपये का कुछ नहीं लगा है। देखिए, मैं अपने पान का लगा रही हूँ। अच्छा, ये इसका मिट्टी भी देखिए कितना सॉफ्ट है, सिर्फ सैंड में बन है। इसके लिप्स मैंने इसमें से अपने भगवान के लिए, पूजा के लिए भी तोड़ रखा है। ये दो और भी लिप्स थे इसमें, इसीलिए मैं लगा भी रही हूँ ताकि मैं तोड़ के अपने भगवानों को भोग लगा सकूँ। ये लकी प्लांट भी होता है, इसे लगाना चाहिए। घर में पान के पौधे लगना बहुत शुभ होता है। ये देखिए, इसके एक एक पत्ते कहीं कहीं कट गए हैं, कीड़े ने काट लिया। वो मैं गमलों के बीच में रख दी थी ना कि सूखे नहीं, तो कोई कीड़ा इसे खा डाला है। फिर मैं इसमें सैंड मिला दूंगी, इससे मेरी मिट्टी एकदम हल्की रहे। दरअसल मेरे यहाँ की मिट्टी बहुत हार्ड होती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा राइस हस्क, फिर रिवर सैंड और गोबर की खाद ये सब मिक्स करना पड़ता है ताकि मेरी मिट्टी टाइट ना हो। हार्ड मिट्टी में वो रूट फैल नहीं पाते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी भी लापरवाही से मेरा फूल, मेरे पौधे बहुत सारे ख़राब भी कभी कभी हो जाते हैं। इसलिए मुझे हमेशा मिक्स करना पड़ता है। देखिए, मेरा लग गया प्लांट तैयार हो गया। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा और रिवर्सन मिला दूँगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं लाऊं पान का पौधा। उठा कर रख दूंगी जहाँ बहुत हल्की सी धूप आए, इसमें बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत हल्की सी धूप आए नहीं काफ़ी है इसके लिए। फाइनली मैंने लगा ही लिया। मेरे यहाँ दुर्गा पूजा भी हो रहा है, उसी की आवाज़ आ रही है, गाने की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ गाने बजा रहा है सब। हम लोगों के यहाँ होता है दुर्गा पूजा, इस टाइम काफ़ी भीड़ भाड़ चल रहा है, पूजा की तैयारी, पूजा पाठ करना। फिर मैंने सोचा मैं अपना पौधे लगा लूँ, नहीं तो मेरा पौधा ये ख़राब हो जाता, बारिश की वजह से ख़राब भी होने का डर लगता है। बारिश इधर हो रही थी बहुत ज़्यादा। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
देखिए, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय दोस्तों।